अगर आप बिहार के हैं तो ये वाला डिश आपको पता ही होगा कि चावल का पीठा और ये कोफ्ता लगाकर आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा। अगर नहीं खाया हो तो इसको बनवाकर ज़रूर खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपका बिहार आना हो तो ये वाला डिश ट्राई करके ज़रूर देखें। चावल का हमने इसको तैयार किया है, बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, लेकिन जिस तरीके से हमारा अच्छा बन जाए बस वही तरीका अच्छा है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने चावल का आटा लिया है, पानी हम लोग गरम कर रहे हैं देसी चूल्हे पे। पानी में एक उबाल हमारा आना चाहिए। जब बिहारी डिश बन रहा है तो हमारा तरीका भी वही होना चाहिए, जब भी अच्छा लगेगा। तो पानी हमारा गर्म हो गया है और हमने आटे में पानी मिलाकर इस तरह गर्म पानी से हमने आटे को गूंद लिया है। अब हाथ में पानी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग गोला बनाएंगे। अब ये गोला हमारा नोकीला होना चाहिए, बिल्कुल गोल नहीं होगा। जब भी हमारा ये चौकोर बन पाएगा, आप चाहें तो हल्का सा इसमें आटे में नमक भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से हो गया तैयार। जो इसकी एक्सपर्ट होती हैं बनाने वाली, उनका और भी ज़्यादा चौकोर होता है, बस हमसे इतना हो पाया। तो एक एक करके हमने बना लिया। अब हमने चूल्हे पे पानी ज़्यादा रखे हैं, भगोना थोड़ा बड़ा रखेंगे। एक उबाल आ जाए पानी में तो हम लोग इसको एक एक करके डाल देंगे, फिर इसको हम लोग ढक देंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए फ्लेम हाई करेंगे और हम लोग इसको उबालेंगे। 20 से 25 मिनट हमारा लगा इसको तैयार करने में। तो एक बार हमने चलाकर इसको ढक दिया। अब हम लोग 10 मिनट बाद फिर से खोल रहे हैं इसको। हमारा बस ये तैयार हो जाएगा। बस हमारी अभी लाइट गई हुई है घर की, तो थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग मैनेज कर लेंगे। चलिए, लाइट आ गई है। तो अब हम लोग इसको नॉर्मल सा पानी डाल रहे हैं। अब इसमें एक एक करके डाल के इसको साफ से धो लेंगे तो हमारा बहुत ही ये क्लीन लगेगा। ये नए आटे का और भी ज़्यादा अच्छा होता है, और भी वाइट हो सकता है ये। तो हमारे पास अभी नया आटा नहीं था, तो हमने पुराने आटे का ही, पुराने चावल का आटा पिसा कर हमने इसको आप लोगों के लिए तैयार किया। तो हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसमें हमने सबको डाला, पानी में से उसको निकाल लिया और नॉर्मल पानी में हम लोग इसको डालकर साफ कर लेंगे। ज़्यादा गंदगी नहीं है, अगर नया आटा होता तो ज़्यादा उस पर गंदगी लगी होती। हमारा साफ ही है, ये देखिए है ना। तो एक एक करके हम लोगों ने सबको साफ कर लिया। अब एक प्लेट में सबको रख देते हैं। इस डिश को बनाकर शाम में ही रख दें और सुबह नाश्ते में हम लोग खा सकते हैं। ये बासी ज़्यादा अच्छा लगता है, ताज़ा भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर सुबह सुबह खाएंगे नाश्ते में इसी को तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो हमारा ये पीठा तैयार हो गया है। इसको बगिया भी कहते हैं, कोई इसे गुल्ली कहता है, हम लोग इसको पीठा कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं? अगर आप बिहार के हैं तो आपको पता ही होगा आपके इलाके में इसका क्या नाम है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, अब कोफ्ता बना लेते हैं।
कोफ्ते की जो रेसिपी है आपको अलग से भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा सरसों का तेल, प्याज कटा हुआ हमने डाला। ये हम लोग दूध की मलाई डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं। हमारे पास था तो हमने इसको डाल दिया। थोड़ा सा प्याज कच्चा डाला, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक काट के, जब ही इसमें टेस्ट आ पाएगा। सरसों के तेल में हम लोग इसको तैयार करेंगे। तो सरसों का तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें साबुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला, ये बड़ी इलायची और दालचीनी थी। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे। ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए हमने चूल्हे पर इसको बगिया को तैयार किया। तो हाई फ्लेम पर हमारा थोड़ा सा प्याज नरम हो जाए, फिर हम लोग इसमें सारे मसाले डाल देंगे, हमारा तैयार हो जाएगा। हमारा प्याज तैयार है। अब बहुत ज़्यादा हमें इसको ब्लैक नहीं करना है। ये अदरक इसमें हम लोग नहीं डालेंगे, लहसुन का ये पेस्ट है ये हमने डाला। अदरक कभी ना डालें, नहीं तो आपका कोफ्ता अच्छा से नहीं बन पाएगा, वो टूटने लगेगा अदरक की वजह से, तो हम लोग अदरक नहीं डालेंगे। ये धनिया पाउडर है एक चम्मच, मिर्चा एक चम्मच, हल्दी पाउडर। हमारे घर के बगल में किसी की शादी है तो हो सकता है आप लोगों को हल्की सी आवाज़ आ रही होगी, माइक लगा के ये लोग गाना सुनाते हैं दूसरों को। तो हमने इसमें डाला नमक और हमने इसको मिक्स कर दिया। थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट बस इसको इस तरीके का कर लेंगे। अभी पानी हमें नहीं डालना। ये देखा हमारा कोफ्ता इस तरह का गोला तैयार कर लिया हमने और इसमें डाल दिया, बस कुछ नहीं करना है। अब इसको अब ढक देंगे। हमने इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम करके ढक दिया था। ये देखिए इसमें से पानी निकल आया। अब हम लोगों को बस इस पानी को सुखा लेना है, इसी में हमारा वो प्याज भी गल गया है। हाई फ्लेम करेंगे और हमारा ये हो जाएगा तैयार। अब ये जो हमने साबुत गरम मसाले रखेंगे, हम लोग पिसा हुआ रखेंगे, जो साबुत रखा था उसको हम लोग हटा देंगे। ये रहा गरम मसाला, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब हमने इसको पीस क्रश कर रखा था, वो डाल देंगे। सबसे लास्ट में नमक टेस्ट कर लेंगे, कम है तो डाल देंगे। ये कोफ्ता हमारा हो गया तैयार। ये देखा है ना अलग रेसिपी। तो इसको हम लोग अब टेस्ट करके देखेंगे। आप लोग इसको अगर पसंद आए तो ज़रूर बनाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा तैयार। ये हमारा सुबह का है, ये देखिए थोड़ा सा टाइट हो गया है। हाँ, इस तरीके का ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। तो एक पीठा लेंगे हम लोग और एक कोफ्ता लेंगे इस तरीके से। ये आपके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो इनके लिए है। ये देखिए कोफ्ते को इस तरह इस पर रख के, फिर इसी तरह
हम लोग खाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।